हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में एयर टिकटिंग कोर्स और ट्रैवल टूरिज्म कोर्स क्या होता है, इसके सिलेबस क्या होते हैं, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको कहाँ जॉब मिल सकती है और आपकी सैलरी पैकेजेस क्या हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसी क्वेरी आती है जो ये जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसका करियर ग्रोथ क्या है। तो हम तमाम तरीके के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में हम उसका आंसर देने हम जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एयर टिकटिंग कोर्स को अगर आप करते हैं तो इसका सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले जो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको आईटा का जो कोडवर्ड होता है आईटा वर्ल्ड जियोग्राफी आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहिए, आईटा का कोड सीखना चाहिए। हर एक सिटी, हर एक एयरपोर्ट, हर एक एयरलाइन का आईटा कोड होता है और इस आईटा कोड का इलेक्ट्रॉनिक टिकट और जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर में इसी कोडवर्ड का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप किसी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि क्या आपको आईटा कोड आता है। तो अगर आप हाँ बोलते हैं तो आपसे कुछ आईटा कोड पूछे जाते हैं, आपका नॉलेज चेक होता है। दूसरा, आईटा कोड का फायदा यह होता है कि आप जब सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो इसी कोड का इस्तेमाल करके आप टाइम टेबल चेक करते हैं, आप फेयर देखते हैं या फ्लाइट में सीट अवेलेबल है या नहीं है, उन सारी तमाम तरीके की जानकारी आप पुल आउट करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वर्ल्ड जियोग्राफी का नॉलेज है, मैं यहां बोलना चाहूंगा आईटा वर्ल्ड जियोग्राफी, आईटा वर्ल्ड जियोग्राफी का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप फ्लाइट का कनेक्शन बहुत अच्छे से बना सकते हैं। हर जगह आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट या डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आपको फ्लाइट चेंज करके आपको बनाना होता है कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पैसेंजर को लंदन जाना है, लंदन से उसको जाना है ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, तो वो दिल्ली सिंगापुर होते हुए भी सिडनी जा सकता है या वो लंदन से आपको मयामी और मयामी से आपको साउथ अफ्रीका होते हुए भी वो सिडनी जा सकता है। बट कौन सा रूट सस्ता पड़ता है, कौन सा रूट नजदीक पड़ता है, वो सारी चीजें आपको आईटा कोड में सीखनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट और वीजा। ट्रैवल डॉक्यूमेंट और वीजा में आपको सीखना चाहिए कि पासपोर्ट कितने तरीके का होता है, कितने तरीके के वीजा होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीजा क्या होता है, ऑफलाइन वीजा के लिए हम कैसे अप्लाई करते हैं, वीजा का फाइल हम कैसे तैयार करते हैं। तो यहां भी आपको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप एम्बेसी में या हाई कमीशन में आप जॉब पा सकते हैं या बहुत से ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या ट्रैवल एजेंसीज हैं जहां पे वीजा का काम होता है, तो वहां पे आप एज अ वीजा एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हैं और एक्सपीरियंस होने के बाद आप अपना खुद का सेटअप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट हैंडलिंग के बारे में। एयरपोर्ट हैंडलिंग में आपको सारी चीजें सिखाई जाती है जिसमें हम ये जानते हैं कि अगर पैसेंजर की कनेक्टिंग फ्लाइट है तो उसको किस तरीके की सर्विस मिलती है, एयरपोर्ट पे लॉन्जेस क्या होता है, आप व्हीलचेयर के असिस्टेंस कैसे ले सकते हैं, किसी भी तरीके की हेल्प एट द एयरपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आपके सिलेबस में एयरपोर्ट हैंडलिंग जरूर इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप इसको सही तरीके से सीखते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे एज अ ग्राउंड स्टाफ की जॉब आपको इजिली मिल जाती है और आप एयरलाइन में भी आप परमानेंट पे रोल पे आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें बात करना है आईटा के बारे में। अगर आप ट्रैवल टूरिज्म का कोर्स कर रहे हैं और आईटा के बारे में ना जान रहे हैं तो ये भी आपकी जो नॉलेज है इनकम्प्लीट मानी जाती है। बहुत सारे इंटरव्यू में आईटा के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। आईटा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये एक बॉडी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर जितने भी एयरलाइंस हैं हर एक एयरलाइंस को ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये कंट्रोल करती है। बगैर इसके लाइसेंस के आप फ्लाइट उड़ा नहीं सकते हैं, आप कमर्शियल फ्लाइट या शेड्यूल फ्लाइट आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको आईटा के फंक्शन के बारे में जानना चाहिए। आईटा आपको डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस के कोर्स भी करवाती है तो आप उसमें भी आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो तमाम तरीके की जो आईटा के फंक्शन है वो आपको कोर्स में जरूर सीखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट। अगर आप यूरोप में जाते हैं, खास तौर पे वेस्टर्न यूरोप जैसे कि फ्रांस हो गया, इटली होगी, स्विट्जरलैंड, इन जगह पे आपको ये हाई स्पीड ट्रेन जिसको बुलेट ट्रेन के भी नाम से जाना जाता है
ये ट्रैवल टूरिज्म में बहुत जबरदस्त इनका रोल होता है। तो पैसेंजर ये आपको बुकिंग के लिए बोल सकते हैं, इसकी पासेस के लिए आपको बोल सकते हैं। तो आपको क्या सीखना चाहिए, इसके नेटवर्क के बारे में जाननी चाहिए कि इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ है, कहाँ पे आप इसकी सर्विस ले सकते हैं, कितने का किराया आता है और रेल पास क्या होते हैं, उसके बारे में आपको ट्रैवल टूरिज्म में अच्छे तरीके से नॉलेज लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार रेंटल। तो कार रेंटल का मतलब ये होता है कि अगर आप बिजनेस ट्रिप पे लाइक फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, एम्स्टर्डम जा रहे हैं और वहां पे आपको कार किराए पे चाहिए, तो आप इंडिया में बैठे सिस्टम के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे कार बुक करेंगे, वो चीजें आपको कोर्स में सीखनी चाहिए। नेक्स्ट हम बातें करेंगे क्रूज की बुकिंग के बारे में। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर कहाँ कहाँ क्रूज की बुकिंग अवेलेबल है, कितने दिन की क्रूज की बुकिंग होती है, वो सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए। क्रूज में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, ऑनबोर्ड क्या क्या फैसिलिटी होती है, क्रूज का नेटवर्क कहाँ कहाँ है, किन जगहों पे वो घुमाने के लिए लेके जाएगी, वो तमाम तरीके के आपको आंसर्स आने चाहिए, उनकी बुकिंग आपको करनी आनी चाहिए। ये भी आपका ट्रेवल टूरिज्म का और एयर टिकटिंग का एक हिस्सा है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे एविएशन और एयर टिकटिंग के बारे में। तो अगर आप एयर टिकटिंग का कोर्स करते हैं तो आपको फेयर कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। फेयर कैसे निकालते हैं, सबसे बेस्ट फेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी सेक्टर के लिए और मल्टीपल एयरलाइंस में सबसे बेस्ट फेयर कैसे ढूंढे, वो भी आपको आर्ट आनी चाहिए। किसी सिटी का, किसी एयरपोर्ट का क्या क्या टैक्सेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको निकालने आपको आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपसे पूछ सकता है कि मेरा डिपार्चर टैक्स कितना है या मेरा टोटल टिकट का कॉस्ट कितना आ रही है। वो सारी चीजें आपको एविएशन और एयर टिकटिंग में आपको बहुत ध्यान से सीखना चाहिए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक टिकट। इलेक्ट्रॉनिक टिकट आपके कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट को कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टिकट में डेट कैसे चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टिकट को कैंसिल कैसे करते हैं, वो तमाम तरीके की चीजें आपको इस कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक टिकट के बारे में जानना चाहिए। मैं एक इंफॉर्मेशन यहां देना चाहूंगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टिकट होते हैं वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बनाए जाते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर के मैं नाम आपको बताता हूं, अमेडियस, गैलीलियो, सैबरे, वर्डस्पैन, अपोलो, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन सॉफ्टवेयर की मदद से जितने भी मल्टीनेशनल ट्रैवल एजेंसीज होते हैं और जितने भी ट्रैवल एजेंसी होते हैं, वो सारे के सारे ट्रैवल एजेंसीज आपको इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आपको बुकिंग बनाते हैं। इवन आप मेक माई ट्रिप अपनी वेबसाइट पे बुकिंग बनाते हो या उसका ऐप डाउनलोड करके बुकिंग बनाते हो, तो उस वेबसाइट के पीछे भी आपको यही सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है। अब सवाल आता है कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इस कोर्स में सीखना चाहिए। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स जो काफी डिमांड में हैं उनके मैं नाम आपको बताता हूं। आपको ये कोशिश करें कि दोनों सॉफ्टवेयर सीखें। एक सॉफ्टवेयर का नाम है आपको अमेडियस और दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम है आपको गैलीलियो। तो आप जहां कहीं से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं वहां पे आप ये इंश्योर करें कि वहां पे अमेडियस की ट्रेनिंग होती है और गैलीलियो की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत से इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बेसिक सिखा के कोर्स को वाइंड अप कर देते हैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। आपको अमेडियस में सीखना चाहिए रिफंड कैसे प्रोसेस करते हैं, पार्शियल रिफंड कैसे प्रोसेस करते हैं, फुल रिफंड कैसे प्रोसेस करते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट ये क्लेम करते हैं कि हम लाइव अमेडियस पे ट्रेनिंग देते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर लाइव अमेडियस पे आपको ट्रेनिंग मिल रही है तो आप फुल रिफंड, पार्शियल रिफंड, रीवैलिडेशन और एक्सचेंज आप देखें कोर्स के सिलेबस में है या नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपकी जो नॉलेज होती है वो नॉलेज आधी रह जाती है। तो आप इंश्योर करें कि रिफंड, रीवैलिडेशन और एक्सचेंज आपके इस कोर्स में जरूर इंक्लूड होना चाहिए। तो आप अमेडियस सीखें, आप गैलीलियो सीखें और कोशिश करें कि इन सारे सॉफ्टवेयर पे आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा मिलती हो, ऐसे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लें। हमारा इंस्टीट्यूट इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म इंस्टीट्यूट, जो इंडिया में टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट में माना जाता है, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अमेडियस, गैलीलियो, एयर टिकटिंग और ट्रैवल टूरिज्म के कोर्स के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपने कोर्स में सीखें होटल बुकिंग क्या होती है।
होटल बुकिंग में रूम टाइप क्या होता है, मील टाइप क्या होता है, तो इससे क्या फायदा होता है कि कई भी पैसेंजर जो बिजनेस ट्रिप पे आपको जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बैंगलोर जा रहे हैं तो फ्लाइट के टिकट के साथ साथ आपको होटल की बुकिंग भी मांगेंगे। तो आपको ये भी आना चाहिए कि फ्लाइट की टिकट के साथ मैं होटल की अगर बुकिंग कर रहा हूं तो मुझे पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आप सीखेंगे कोर्स में माइस के बारे में। माइस का फुल फॉर्म होता है मीटिंग इंसेंटिव्स कन्वेंशंस एंड एग्जीबिशंस। नॉर्मली जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज होते हैं वो उन सबों की अपनी ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स होती है। लाइक फॉर एग्जांपल उनको मीटिंग करना है, उनको कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, उनको होटल चाहिए, उनको फ्लाइट की टिकट चाहिए, उनको कार चाहिए, तो ये ट्रैवल एजेंसी जो माइस में एक्सपर्ट होते हैं ये सारी सर्विसेज बड़े बड़े कंपनीज को, कॉर्पोरेट कंपनीज को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ भी आपकी एक बहुत अच्छी करियर ग्रोथ बनती है। अब हम बात करेंगे हॉलीडे पैकेज मैनेजमेंट। ये आपके कोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि अगर आप इसमें एक्सपर्ट होते हैं तो आप एक गुड सेलर हो सकते हैं, और जो भी गुड सेलर होते हैं और गुड से बेस्ट सेलर बन जाते हैं उनको इंसेंटिव की कोई कमी नहीं होती। हर ट्रैवल एजेंसी ये चाहता है कि उसके स्टाफ में एक सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो आप हॉलीडे पैकेज मैनेजमेंट में क्या सीखेंगे, आप सीखेंगे डेस्टिनेशन की नॉलेज, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सीखें। लाइक हिमाचल प्रदेश में क्या क्या घूमने लायक जगह, उत्तराखंड में क्या क्या घूमने लायक जगह, लद्दाख कब घूमने जाए, केरला में क्या क्या घूमने लायक जगह, गोवा में क्यों घूमने जाते हैं, वो तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन एज अ ट्रैवल एक्सपर्ट आपके पास जरूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप पैकेज को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि कोर्स में क्या पैकेज को डिजाइन करना सिखाया जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको ये सिलेबस में होता ही नहीं है। पैकेज को कस्टमाइज कैसे करें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप पैकेज को बनाने के लिए सीखें, तो ये सारी चीजें आपके कोर्स में होनी चाहिए। तो आप एक तरीके से मास्टर हो जाएंगे ट्रैवल टूरिज्म में और एयर टिकटिंग में। ट्रस्ट मी गाइज, जितने भी ट्रैवल एजेंसी होते हैं उनमें सबसे प्रॉफिटेबल जो एरिया होता है किसी ट्रैवल एजेंसी का वो हॉलीडे पैकेज ही होता है। समवेयर अराउंड 15-20% का मार्कअप मीन्स प्रॉफिट होता है। फ्लाइट की टिकट में इतनी प्रॉफिट नहीं होती है जितनी हॉलीडे पैकेज मैनेजमेंट में होती है। अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हो सकता है कि आफ्टर 2-3 years आप अपना खुद का ट्रैवल एजेंसी चला रहे हो और लाखों के पैसे आप कमा रहे हो। नेक्स्ट आपको जानना चाहिए एडवेंचर टूरिज्म। आजकल इंडिया में और इंडिया के बाहर एक ट्रेंड सेटअप होता जा रहा है। जितने भी यंगस्टर्स होते हैं कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स जो ऑफिस जा रहे होते हैं उनको वीकेंड पे किसी न किसी जगह पे ट्रैकिंग के लिए एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए जाना चाहते हैं वो। लाइक फॉर एग्जांपल बंजी जंपिंग क्या होती है, व्हाइट वाटर राफ्टिंग क्या होती है, माउंटेन क्लाइंबिंग क्या होती है, माउंटेन ट्रैकिंग क्या होती है, कयाकिंग क्या होती है, स्नोरकेलिंग क्या होता है, स्कूबा डाइविंग क्या होती है, सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए। और इसके क्लाइंट कौन कौन है, किन जगहों पे ये एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है, वो तमाम तरीके की चीजें आप कोर्स में सीखें। तो ये सारी जो सिलेबस मैंने आपको बताया इस कोर्स में, ये एक कोर्स का आपको एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। आप मेक श्योर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप देखें सिलेबस को, चेक करें कि क्या ये चीजें सिलेबस में है या नहीं है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ITTI यानी कि इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म इंस्टीट्यूट, ये सारे कोर्स को हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो आप इस कोर्स को अगर करना चाहते हैं तो आप हमसे भी, जो नंबर मैं आपको वीडियो में दे रहा हूं इस पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अपना करियर चुनने में और एक अच्छा करियर बनाने के लिए ये वीडियो आपको जरूर इंफॉर्मेटिव रहा हो। थैंक यू।